सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमिस ट्यूटोरियल। तो आज मैं आपको DIY एंटी एजिंग सीरम बनाना सिखाऊंगी। हाँ, एंटी एजिंग सीरम हम घर पे भी बना सकते हैं, जो मार्केट के प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने खुद ट्राई किया है, मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ये DIY आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, ताकि आप अपने ब्यूटी रेजिम में इसे फॉलो करें एंड एक यूथफुल सा ग्लोइंग स्किन आपको भी मिले। तो मैं आपको बता दूं कि ये सीरम मैंने कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल है बनाना। ये आपके फाइन लाइन, डार्क स्पॉट, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस कर देगा, आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा सा नेचुरल ग्लो देगा। हमें एंटी एजिंग सीरम का यूज़ 25 के बाद से कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल के पॉल्यूशन, स्ट्रेस की वजह से हमारे फेस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। तो ये हमारे एजिंग को स्लो डाउन करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करेगा, हमारे स्किन में टाइटनेस देगा, हमारे स्किन को क्लीन करेगा और आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मार्केट के प्रोडक्ट अच्छे नहीं होते, बट वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते, जो बहुत सारे लोग नहीं ले पाते। वो अराउंड 300 to 400 कोई भी एंटी एजिंग क्रीम या सिरप उतने ही प्राइस का होगा। तो आप घर पे ही अपना बजट फ्रेंडली एंटी एजिंग सिरम बना सकते हैं, तो मार्केट से क्यों खरीदें। तो हम देख लेते हैं हमारा ये एंटी एजिंग सिरम मैंने कैसे बनाया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप नए हमारे चैनल में तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दे, तो जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ यू विल गेट नोटिफाइड। सबसे पहले मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल का यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पतंजलि का एलोवेरा जेल लिया है। एलोवेरा जेल आपकी स्किन की लास्ट एसिडिटी को मेंटेन रखता है, इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये हमारी स्किन को सूथ करता है, एक्ने को भी रिड्यूस करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ग्लिसरीन ले रही हूँ। ग्लिसरीन हमारे स्किन को मॉइस्चराइज करने में बहुत ही अच्छा हेल्प करता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे विटामिन ई कैप्सूल ले रही हूँ। ये स्किन के सेल्स को हेल्दी रखने में बहुत ही हेल्प करता है, हमारे स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाता है, फाइन लाइन रिंकल को रिड्यूस करता है, इरिटेटेड स्किन को भी ठीक करता है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रेंस केसर के ले रही हूँ। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, ये मैंने एडिशनल इसमें ऐड किया है। सेफ्रॉन के जैसा आप सब जानते हो स्किन को लाइटन करने में हेल्प करता है, साथ ही ये डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को भी रिड्यूस करता है, आपकी स्किन में बहुत ही अच्छा रेडिएंट ग्लो देने में हेल्प करता है। तो ये हमारा एंटी एजिंग सीरम रेडी हो गया है। देखा आपने कितना सिंपल है इसे बनाना। आप इसे इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। इसको आपको बहुत ही कम अमाउंट में लेना है और अच्छे से इसको सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए पूरे फेस पे। आप इसे अच्छे से अंडर आई में लगाइए, ताकि आपके अगर डार्क सर्कल्स है तो ये डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस कर देगा। और आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छा रेडिएंट यूथफुल ग्लो देगा। आप टीनेजर हो या आप 25+ हो, आप इस सीरम को इजीली यूज़ कर सकते हो। इसमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ है, तो ये आपकी स्किन के लिए बहुत ही सेफ है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्योंकि कई बार सेंसिटिव स्किन को बहुत सारे प्रोडक्ट सूट नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही माइल्ड है उनके फेस के लिए, तो आप सेंसिटिव स्किन वाले हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सीरम है। ऑयली ड्राई स्किन कोई भी इसे लगा सकते हैं एंड इसका बेनिफिट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें एंड प्लीज़ इस DIY को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो मिलती हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।